नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। राष्ट्र और महाराष्ट्र भर में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड रूप ले चुकी है। पहली लहर में जहां बड़े बूढ़े लोग कोरोना की चपेट में ज्यादा आए थे, वहीं दूसरी लहर सहित तीसरी लहर में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जवानों पर कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार बच्चों के लिए अलग से एक्शन प्लान तैयार कर रही है और इस प्लान के तहत अनेक ठिकानों में चाइल्ड कोविड सेंटर शुरू किए जाने हैं। ऐसे केंद्रों में बच्चों के लिए बेड, वेंटिलेटर्स, आईसीयू सहित सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसी प्लान के तहत मुंबई में बच्चों के लिए 500 बेड्स का एक जंबो कोविड सेंटर शुरू किया जाएगा। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों के लिए बताया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई में 500 बेड्स का जंबो कोविड केंद्र तैयार किया जाएगा। ये कोविड केंद्र पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के मतदाता क्षेत्र वर्ली में शुरू किया जाएगा। यहाँ 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को एडमिट किया जा सकेगा। ऐसे बच्चों के साथ माँ का साथ रहना जरूरी होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्यूबिकल सिस्टम में जंबो केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा। इस केंद्र में 70% ऑक्सीजन बेड्स होंगे और 200 आईसीयू बेड्स होंगे। बर्ली का जंबो कोविड केंद्र 31 मई तक तैयार हो जाएगा। पालिका इसी डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा मुंबई के अन्य 3 ठिकानों में भी 2000 बेड्स की क्षमता वाले 3 जंबो कोविड केंद्र तैयार किए जाएंगे। इनमें से एक मालाड में, दूसरा सायन के सोमयैया मेडिकल सेंटर और कांजूमार्ग के क्रॉम्पटन कंपनी में तैयार किए जा रहे हैं। कंपनी ने पालिका आयुक्त के काम को देखते हुए अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए 50 करोड़ की धनराशि का योगदान भी दिया है। मुंबई में छोटे बच्चों के लिए पहला कोविड केंद्र पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के मतदाता क्षेत्र वर्ली में बनाए जाने की योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई की मेयर किशोरी ने कहा कि छोटे बच्चों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। छोटे बच्चों के लिए जो पहला जंबो कोविड केंद्र वर्ली में तैयार किया जा रहा है, उसमें 500 बेड्स की क्षमता, जो समय से शुरू होने की पूरी तैयारी बीएमसी ने कर रखी है। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सीटीडी न्यूज़ और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।